हमारे बीच काफी विद्वान लोग मंच पे बैठे हैं और उन विद्वानों को सुन सुन के थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने भी अर्जित किया और यहाँ आगे अपार मुझे खुशी हो रही है। जब मैं यहाँ रामदास कॉलेज में पढ़ता था 1985 में मैंने जब एडमिशन लिया बिल्कुल रोड के बगल में रामदास कॉलेज में, उस वक्त यहाँ जंगल था, पूरा जंगल था जहाँ इस हॉल में बैठे हैं यार। रामदास कॉलेज से ग्रेजुएशन करके सामने से लॉ फैकल्टी, लॉ फैकल्टी से लॉ करके इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में लेबर लॉ स्पेशलाइजेशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर वापस यहीं आ गया, किसी ने यही वापस भेज दिया लॉ फैकल्टी। एलएलएम स्टूडेंट यूनियन दोनों का इवनिंग मॉर्निंग का प्रेसिडेंट रहा और 1983 से समाज सेवा में जुड़ा जब ग्रेजुएट हुआ। 1987-88 में बाबा साहेब के बनाए हुए समता सैनिक दल की जानकारी मिली तो फिर उससे जुड़ गया एक सिपाही के तौर पर। वो सिपाही से अपने गांव की शाखा का अध्यक्ष, उसके बाद जिले का अध्यक्ष और जिले से फिर दिल्ली का उपाध्यक्ष, फिर 21 मार्च 1997 में अम्बेडकर भवन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, पूरे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना। तो ये तो मेरा अपना छोटा सा परिचय, पूरे जीवन समाज सेवा के क्षेत्र में रहे और 25 साल की वकालत की, एमएलए बनने के बाद भी वकालत करता रहा, 25% अपने लोगों के केस भी लड़े, लेकिन ये सब तो मेरा अपना व्यक्तिगत था। आज मैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस को धन्यवाद करूंगा कि अपने युवाओं से बात करने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं बात करूंगा भारत भारत कैसे बना, क्योंकि बाकी ज्ञान की बात तो हमारे विद्वान लोग ऊपर बैठे वो कर लेंगे, लॉ की बात और समाज जो मेरा फील्ड है मेरा, उसकी बात मैडम शशि जी ने कह दी। मैं उससे हटकर थोड़ी सी बात आप सबसे करना चाहता हूँ, चूंकि हम छात्र हैं आपको जरूर अपने देश के इतिहास का पता होना चाहिए, आपको सबको अपने खुद के इतिहास का पता होना चाहिए, हमारा ओरिजिन क्या है, ये भारत भारत कब बना, इस भारत को भारत बनने से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन रहा लगभग 200 साल, उससे पहले भारत में सैकड़ों राज्य थे इंडिपेंडेंट। अगर भारत को 5000 साल पीछे जाए और हड़प्पा संस्कृति से शुरुआत करें, सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरुआत करें, तो हम ये पाते हैं कि हमारे पूर्वज इस देश के मूल निवासी थे, जिन्हें देश में द्रविड़ के रूप में, तमिल के रूप में, नागवंशी के रूप में जाना जाता था। लगभग 4-4.5 हजार साल पहले भारत में आर्य आए, उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो बड़े भोले वाले हैं, कोई भी आता उसका बड़ा सम्मान करते हैं, तो उन्होंने हमारे समाज के लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्होंने धीरे धीरे हमारे सारी साधन छीन लिए बंदेव करकर, क्योंकि वो लोग आक्रमणकारी थे, उन्नत किस्म के हथियार थे उनके पास, और हमारे भोले भाले लोगों को उन्होंने ये केंद्र प्रकार अपना गुलाम बनाने का प्रयास किया। जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की वो जंगलों में भाग गए और बाद में वो लोग आदिवासी कहलाए। जो लोग उनसे लड़े उनमें से कुछ लोग लड़ते हुए मारे गए और लोग कुछ लोग ऐसे थे ना तो भाग पाए और ना ही वो मरे, उनको उन्होंने गुलाम बना दिया जो बाद में अनुसूचित जाति कहलाए। बाकी तथ्य प्रोफेसर साहब बता देंगे, मेरी बात में हो सकता तर्क 99% को 100% ना हो, लेकिन विद्वान लोग उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दोहन किया हमारी सभ्यता और संस्कृति का और जिस तरह शोषण किया हमारे देश के मूल निवासियों का,
जिस तरह दोहन किया हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों का, उसमें उन्होंने धीरे धीरे हमारी सभ्यता व संस्कृति को कुचल दिया, लगभग खत्म कर दिया। और एक सनातन धर्म की शुरुआत अब से लगभग 4000 साल पहले भारत में हुई। वो सनातन धर्म मनुवाद पर आधारित था, जाति व्यवस्था पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ऊंच नीच पर आधारित था, पक्षपात पर आधारित था, शोषण पर आधारित था। उस व्यवस्था ने इस देश के मूल निवासियों की स्थिति इतनी बदतर कर दी। उन्होंने जो धर्म ग्रंथों की रचना की, उन धर्म ग्रंथों में ऐसी शर्त डाल दी कि भाई तुम अछूत हो, तुम्हारे पुराने कर्मों का फल आपको भोगना है, इसलिए तुम दीनहीन हो, इसलिए तुम्हें बाकी वर्णों की सेवा करना है, तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है, केवल तुम्हारा कर्तव्य है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। केवल यहीं पे नहीं रुके वो, उन्होंने धर्मशास्त्रों में ऐसी बंदिश लगा दी कि भाई ना तो आपको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार है और ना ही आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर किसी को 100-150 साल तक लगातार ज्ञान अर्जित करने पर किसी जाति धर्म पर बंदिश लगा दी जाए, उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए और उसको संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो समाज तरक्की करेगा? क्या वो समाज के पास काबिलियत बचेगी? और ऊपर से उसको 18-18 घंटे काम के बदले ना तो पैसा, ना घर पे खाना, केवल इतना खाना दो कि मर ना जाए, क्योंकि मर जाएगा तो सेवा कौन करेगा? सेवा करवाने के सेवक भी चाहिए, इसलिए उनको मरने मत दो। लेकिन उनको कोई साधन भी ना मिले, उनको केवल इतना खाना दो कि वो जिंदे रहे और तुम्हारी सेवा करते रहे। इसके बाद जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इतिहास में, तुम ये देखते हैं कि इस हिंदू धर्म की व्यवस्था से, इस पक्षपातपूर्ण शोषणकारी व्यवस्था से, इस अंधविश्वास की व्यवस्था से तंग आकर देश में अलग अलग खंड काल में कुछ समाज सुधारक हुए, जिनमें शुरुआत के तौर पर हम देखें महावीर स्वामी हो सकते हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। उसके 25 साल बाद लगभग बुद्ध हुए, बुद्ध ने जीवन का एक नया रास्ता दिया। बुद्ध ने तो मानो इस सनातनी वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। बुद्ध ने महिलाओं को भी अधिकार दिया, बुद्ध ने दलितों को भी अपने संघ के अंदर आने का इजाजत दी। उसके अनेक एग्जाम्पल है, उस पर मैं ज्यादा लंबी बारीक नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देश के अंदर बौद्ध उत्थान आया, पूरा देश बौद्ध में हो गया, उन्हें सब लोगों को अधिकार मिलने शुरू हुए। इसी बीच राजा बृहद्रथ के समय में उनके राजपुरोहित हैं पतंजलि ब्राह्मण, जिसने एक मंगोल सैनिक को पहले बृहद्रथ की सेना में भर्ती करवाया, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा मंगोल युद्ध के नाम माहिर होते थे। पहले राजा अपने प्रतियोगिताएं कराते थे, प्रतियोगिता के अंदर मंगोल इस पतंजलि ने अपनी युद्ध कला का अच्छा कौशल दिखाया और उसको राजा का सेनापति बनवा दिया पतंजलि ने, और षड्यंत्र के तहत पतंजलि से राजा बृहद्रथ की हत्या करवा दी, जो एक बौद्ध शासक थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। उसके बाद इस पुष्पमित्र सुमेर जो मंगोल था, जिसको सेनापति बनवाया था पतंजलि ने, इस पुष्पमित्र सुमेर एक एक बौद्ध भिक्षु की हत्या करवाई, पूरे देश से बौद्ध मठ टूट गए और एक बौद्ध भिक्षु का सर लाने के बदले में
सोने की मोहरे नाम में दी, यानी लगभग बौद्ध धर्म का विनाश पुष्यमित्र सुंग ने किया, और इस पतंजलि ने पुष्यमित्र सुंग के माध्यम से बौद्ध काल का अंत करके दोबारा उसी मनवाली व्यवस्था को कायम किया। और इसी काल में ये रामायण महाभारत संस्कृत सबकी रचना हुई, जिसने धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नस्तनाबूद करने का काम। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब मैं सीधा छलांग लगा के आगे आ जाता हूँ, क्योंकि अगर इतिहास के छोटे छोटे एक दृष्टांत पर आगे बढ़ूंगा तो पता लगेगा डेढ़ तो मुझे हो गया, तो मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि 20 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर सकूं। आप जब इतिहास को पढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और वर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक। मैं इसलिए कह रहा हूं, इतिहास खोज कर देख लो, वर्मा भी हमारे देश का हिस्सा था और गंधार तक भी हमारा देश था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश था, लेकिन हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, सैकड़ों छोटे छोटे रियासतें अलग इंडिपेंडेंट थी, तो भारत भारत कैसे बना? समझने की बात यह है, अब से लगभग 550-600 साल पहले सिख धर्म बना, अब से लगभग 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म बना, अब से लगभग 2018 साल पहले ईसाई धर्म बना, अब से लगभग 2588 साल पहले बौद्ध धर्म बना, बुद्ध से लगभग 25 साल पहले जैन धर्म बना, अब से लगभग 4000 साल पहले सनातन धर्म आया। तो सच तो यह है कि सनातन धर्म से पहले भी इंसान था, लेकिन यहां इतने छात्र बैठे हैं और मंच में भी इतने विद्वान लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या है? इन सब धर्मों से पहले इंसान नहीं था क्या? उस वक्त जाति और धर्म थे क्या? जाति और धर्म की जरूरत है? इंसानियत बड़ी है या जाति और धर्म बड़ा है? एक व्यक्ति पत्थर के टुकड़े को उठाता है, हमारे समाज का एक व्यक्ति पत्थर को उठाता, नीचे रखता, उसके ऊपर एक पैर रखता है और हाथ में छेनी और हथौड़ी लेकर उसको पट 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 करके उसकी मूर्ति के रूप में बना लेता है। और जब वो मूर्ति बना देता है तो मूर्ति को किसी मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसको बंद कर दो तो भी मेरी आवाज शायद पहुंच जाएगी पीछे तक। जब वो मूर्ति को पत्थर को कटके मूर्ति के रूप में स्थापित कर देता है और वो मूर्ति किसी मंदिर में स्थापित हो जाती है, फिर उस मूर्ति बनाने वाले को कहते हैं छूट कर बाहर निकल, नहीं तो भगवान पवित्र हो जाएंगे, मंदिर पवित्र हो जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था में जी रहे हो? इस देश में खेत के अंदर रात दिन मेहनत करके अनाज पैदा करने वाले को घर में खाना नहीं मिलता, कपड़ा बुनने वाले को तन धरने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करने वाले मजदूरों को सर पे छत नहीं मिलती, जितने सड़क का निर्माण है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने वाले लोग हैं, वो सारे हमारे समाज के गरीब लोग, वो सब मूल निवासी समाज के हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और जरा हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मां के पेट से जमीन लेकर पैदा होते हैं? ये जो देश के पहाड़ हैं, ये जो देश की खाने हैं, कोयले की खान, पत्थर की खान, खनिज पदार्थों की खान, ये जो देश में जंगल हैं, जो खेती की भूमि है, ये सारी जो प्राकृतिक संपदा है जहां से लाखों करोड़ रुपए पैदा होता है, क्या कोई व्यक्ति उसे अपनी मां के पेट से लेकर पैदा होता है? हाँ ना तो बता दो, तो फिर उसके मालिक कैसे हो सकता? कोई कुछ परिवार इन सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक है, वो लाखों करोड़ रुपए कब्जा कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए पैदा करने वाले, और जो यहाँ का उसका मालिक है, जो मूल निवासी है, उसको घर पे खाना नहीं है, उसके पास खेती की भूमि नहीं है, उसका उद्योग धंधों में हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, उसकी प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है,
और बात मेरिट की होती है, बात रिजर्वेशन को खत्म करने की होती है। भाई मैं तो चाहता हूँ रिजर्वेशन जितनी जल्दी खत्म हो सकता हो जाए, कल जब तक आज कर दो, ये रिजर्वेशन हमें चाहिए भी नहीं और ये रिजर्वेशन बाबा साहब ने मांगा भी नहीं था, ये तो हमें पूरा पैक के तक जबरदस्ती दिया गया था। आप अपना रिजर्वेशन अपने पास रखिए, प्राकृतिक संसाधन में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी हमें दे दीजिए, जितनी जिसकी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या है उतना हिस्सा देश के हर प्राकृतिक संसाधन में उसको दे दो और यह आरक्षण तुम ले लो। रही बात मेरिट की, एक आदमी का पैर बांध दो, एक आदमी को दोनों पैर खुले छोड़ दो और दोनों को दौड़ो, कौन जीतेगा भाई? जिसके दोनों पैर खुले हैं वो जीतेगा या जिसका एक पैर बांधा वो जीतेगा? एक बच्चा अच्छी लाइट रोशनी में पढ़ता है, एसी में पढ़ता है, खाने को खाने के साथ साथ फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब कुछ मिलता है, उसको ट्यूशन भी मिल रहा है, बढ़िया स्कूल बढ़िया एटमोसफेयर, और एक बच्चा छुट्टी में एक नाले के किनारे जहाँ गंदगी बार है जिससे लगातार बीमारियां फैलती रहती है, वहां रहता है, दिव्या में पड़ रहा है, लाइट भी नहीं है, भरपेट खाना भी नहीं है, उसके बाद कहते हैं आओ कंपटीशन करो, कौन जीतेगा भाई? मैं तो ये कहना चाहता हूं हमारे समाज के बराबर काबिलियत अभी तुम्हारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर तो कूट कूट के काबिलियत भरी है, हमारे पूर्व का खून ये साबित कर पाए हम बहुत काबिल हैं, हमको जब जब अवसर मिलेगा हम अपनी काबिलियत साबित करेंगे, हमारे पूर्वजों को जब जब अवसर मिला तो भारत का संविधान निकाला बाबा साहब ने और प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह मंडल ने पाकिस्तान का संविधान निकाला, फिर अवसर मिला तो हमारी एक बेटी ने ऑल इंडिया आईएएस में पिछली से पिछली साल फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर दिया, हमारे बच्चे को मौका मिला तो हमारे एक बच्चे ने जेई मेन के अंदर 360 में से 360 नंबर लाके इतिहास कायम कर दिया। कौन सी मेरिट की बात करते हो? 4000 साल से तुम्हारे तो शासन चल रहा है, सारे प्राकृतिक संसाधनों पर तुम्हारा ही तो कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके सारे विभागों के सेक्रेटरी, सारे संसाधन, सारे बड़ी बड़ी पोस्ट सब तुम्हारे पास है, उसके बाद भी हमारा देश पूरे देश विश्व की तुलना में 125 देशों से भी पीछे क्यों? अगर हमारा देश 125 देशों से भी पीछे है प्रगति के क्षेत्र में, इसका दोषी कौन है? इसके दोषी हम नहीं है, इसके दोषी वो लोग हैं जिनके हाथ में शुरू से सत्ता रही है, जिनके हाथ में शुरू से संसाधन रहे हैं, जो अपने आप को धर्म का और शिक्षण संस्थानों के ठेकेदार बने रहे हैं, जिनका पूरे देश की काबिलियत पे कब्जा रहा है, पूरे ज्ञान पे कब्जा रहा है, वो लोग उसके दोषी हैं। हमारे बच्चे को तो तुम ट्रेनिंग भी नहीं देते, हमारा बच्चा अपने तरीके से किसी तरह मेहनत करके काबिलियत करके दुनिया में नंबर एक हो जाए तो तुम उसका अंगूठा काट लेते हो, किसी योग्यता की बात कर रहे हो, किस मेरिट की बात कर रहे हो? आप अवसर तो दो, समान अवसर दो और उसके बाद आप प्रतियोगिता कराइए। आज भी तीरंदाजी में तो लोग लेके स्वर्ण पदक आते हैं वो हमारे लोग हैं, दौड़ में जो पदक लेके आते हैं वो हमारे लोग हैं, केवल ऐसे खेल जो बहुत महंगे खर्चीले हैं जहां हमारे लोग पहुंच ही नहीं पाते, हमारे बच्चे तो बैडमिंटन खेल पाएंगे उस लेवल पर, उनको एंट्री नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे क्रिकेट में एंट्री नहीं मिलती, हमारे बच्चों को लॉन टेनिस में एंट्री नहीं मिलती। भाई अवसर तो दो, आप तुलना कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवसर तो दो, उसके बाद तुलना कर लेना, काबिलियत भी देख लेना। युद्ध कला में मुझे नहीं लगता हमसे ज्यादा माहिर कोई हो सकता है, पर आप अवसर तो दीजिए। अगर आप पहले से ये कह रहे हैं कि तुम्हारा काम केवल सेवा करना है, तो जो सेवा ही कर ली है वो भी आधे पेट रोटी भरपेट मिली रही है, पढ़ने ले नहीं रहे, फिर काबिलियत कहाँ से आएगी? काबिलियत तो ज्ञान से है, तो ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दीजिए, बुद्धि तो सबको दी है, इस बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा अध्ययन करेंगे, ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे तो हम लोग योग्य भी होंगे, अपनी योग्यता साबित भी करेंगे और की भी है। तो साथियों आज जो पीछे 2 तारीख को हुआ सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ, ऐतिहासिक क्षण था वो,
जब अनुसूचित जाति जनजातियां सारी एकजुट होकर इकट्ठी होकर भारत बंद करके इस देश को उन्होंने दिखा दिया कि हम इस देश के मूल निवासी ऐसे नहीं है। आप हमें ऐसे मत समझिए, बार बार हमें एहसास कर रहे हैं कि वो छूत हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं, ये जो बार बार कभी कोर्ट के माध्यम से कभी पुलिस के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, कोई दुनिया का एक कानून ऐसा बता दो जिसका मिसयूज ना हो, कोई कानून है जिसका मिसयूज होने की संभावना नहीं हो। देश के हर कानून का कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, और सबसे ज्यादा मिसयूज देश के कानूनों का सत्ताधारी पार्टियां या पुलिस करती है। तो क्या केवल इस वजह से कि कानून का मिसयूज है, कानून को खत्म कर दें? जब आईपीसी में 182 बना दिया प्रोविजन, अगर कोई झूठा केस डालता है तो आप उसको प्रोसिक्यूट कीजिए, सजा कीजिए, कानून में प्रोविजन तो ऑलरेडी है, उसका इस्तेमाल कीजिए ना। पूरे के पूरे एट्रोसिटी एक्ट को जो वर्षों के आंदोलन के बाद मिला, उसको खत्म करना, ये आप ईमानदारी वाली बात नहीं है, ये जुडिशियस माइंड नहीं है, ये प्रिजुडिशनेस है, ये बायसनेस है। और मेरा समाज भारी इकट्ठा हो चुका है, अब हम और ज्यादा गुलाम रहने के लिए तैयार नहीं है, और ज्यादा प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार नहीं है। हमें आपके मंदिरों की जरूरत नहीं है, हम अब अपने देश को इतना मजबूत बनाएंगे, अपने समाज को इतना मजबूत बनाएंगे, या तो तुम भारत के संविधान की इज्जत करना सीख लो, या तो तुम देश के संविधान और कानून की इज्जत करना सीख लो, या तो देश के सभी जाति धर्म के लोगों की इज्जत करना सीख लो। अगर बार बार इसी तरह प्रताड़ित करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत को भारत रख पाना मुश्किल हो जाएगा। चार्ट रिजर्वेशन के नाम पे हरियाणा बंद रखा गया, कितने दिन तक रेल चलने नहीं दी, यातायात ठप कर दिया, सरकारी संपत्ति को आग लगाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ जितने केस बनाए थे सारे वापस ले लिए। राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण के आंदोलन में दसियों दिन तक लगातार पूरा रेल यातायात पूरा ठप रखा, कितने सरकारी संपत्ति को फूका, कोई केस नहीं, और जितने वो जिन पे केस बना सारे केस वापस ले लिए। यूपी के अंदर योगी जी की सरकार आने के बाद जितने बीजेपी आरएसएस के लोग जिन्होंने बहुत जुर्म के लोगों पर उनके खिलाफ केसेस थे सारे केसेस उन्होंने वापस ले लिए। और हमारे लोगों को एक एक व्यक्ति को दो अप्रैल के बाद से उस आंदोलन के बाद से घर से निकाल निकाल कर झूठे केस बना बनाकर थाने के अंदर बुलाकर पुलिस के द्वारा आरएसएस के गुंडों के द्वारा पिटवा रहे हैं और पीट के उनको जेल में डाल रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं, इस आंदोलन को दबा देंगे? ये क्या सोच रहे हमारे मनोबल को कम कर देंगे? ये क्या सोच रहे हमको डराना चाहते हैं? मैं इनको समझाना चाहता हूं, आप हमारे इतने बड़े समाज के अंदर असुरक्षा का बोध पैदा मत कीजिए। अगर हमारे अंदर असुरक्षा का बोध पैदा करोगे तो सुरक्षित तुम भी नहीं रह पाओगे। आज भारत की अस्मिता का सवाल है, आज भारत की सुरक्षा का सवाल है, आज भारत की एकता अखंडता को बचाए रखने का सवाल है। तो सबको इज्जत करना सीख जाओ, सबको सबके सम्मान वापस लौटा दो, हमारे हक हमें दे दो। हम कहते हैं देश के अंदर जो भी संसाधन है, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतने उतने सबको दे दो, हम कोई पक्षपात नहीं चाहते, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमारे अंदर दम है, हम काबिल हैं, हम अपने काबिल के दम कामने के दम पर सब कुछ ले करें। अगर हमारे लोग इसी तरह जेल में बंद करते रहे, इसी तरह झूठे फंसाते रहे और इसी तरह हमें असुरक्षा का बोध पैदा करते रहे, क्योंकि ये केवल असुरक्षा का बोध एससी समाज और एसटी समाज के साथ नहीं हो रहा है। याद कीजिए गुजरात दंगों के दौरान एक सांसद को जिंदा जला दिया, जिनकी पत्नी जाकिर आज भी न्याय के लिए लड़ रही है। मल्याने के अंदर अल्पसंख्यक समाज के घर जला दिए, लोगों को जिंदा जला दिया गया। पूरे देश के अंदर कितनी घटनाएं अल्पसंख्यक समाज के साथ हुई है जहां उनके साथ उनको जिंदा जलाया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। ग्राम स्टैंड को कंधमाल के अंदर उड़ीसा के अंदर तारा सिंह ने उनको उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया। मुस्लिम को असुरक्षा का बोध ये करा रहे हैं, ईसाई को असुरक्षा का बोध ये करा रहे हैं। 1984 के दंगों से देख लो, क्योंकि सिखों को असुरक्षा का बोध ये करा रहे हैं, दलितों को आदिवासियों को असुरक्षा का बोध ये करा रहे हैं, अति पिछड़ों को असुरक्षा का बोध ये करा रहे हैं।
जबकि अगर पूरे देश के जाति समीकरण देखें, हमारे देश में लगभग 125 करोड़ जनसंख्या है, 35 करोड़ एस सी एस टी, 20 करोड़ अल्पसंख्यक समाज जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, 60 करोड़ लगभग अति पिछड़ा वर्ग, 125 करोड़ में से 115 करोड़ तो ये हो गए जिनको आप ऐसी सुरक्षा का बोध करा रहे हो। 10 करोड़ लोग 125 करोड़ लोगों के संसाधन पे कब्जा किए हुए हैं और 115 करोड़ लोगों को डरा रहे हैं। अगर ये हालत रही तो क्या हम अपने देश की एकता विविधता को बनाए रख पाएंगे? अगर इसी तरह संविधान की अवहेलना होती रही, अगर इसी तरह भारतीय संविधान के खिलाफ काम होता रहा तो क्या हम अपने देश को एकजुट रख पाएंगे? लास्ट में एक बात कह देना चाहता हूं कि बात को खत्म करते वक्त, अगर इसी तरह हमें आप डराओगे, हमारे जायज आंदोलन को दबाओगे, हमारे बेकसूर लोगों को जेल में डालोगे तो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। इससे हमारा समाज डरेगा नहीं, इससे हमारा समाज और ज्यादा ऊर्जा के साथ एकजुट होगा और हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है। जिस दिन हमारे समाज ने ठान लिया कि तुम हमारे बच्चों को, बेकसूर बच्चों को जेल में डाल रहे हो, चलो आज जेल भरो आंदोलन शुरू करते हैं। इनकी जेल तो जेल, इनके जिनके जितने खुद के मकान हैं उनमें भी जगह कम पड़ जाएगी। बेहतर से लोग जल्दी से जल्दी इनकी आंखें खुल जाए और भारत के संविधान में आस्था वापस लौटाए और सबको सबका हक देना सीख जाए और हमारे लोगों के मान सम्मान और गौरव को वापस लौटाए। क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें जान बड़ी चीज नहीं है, स्वाभिमान बड़ी चीज है। साथियों आप सबने मुझे सुना, इतना अच्छा अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यूथ फॉर इक्वालिटी का, सुरेंद्र जी का, इनकी पूरी टीम का और हमारे सारे यूथ फॉर सोशल जस्टिस, सॉरी बाबा भाई, इसमें कभी कभी जब एक वो बनती है एक आप नाई की जरूरत हो जाती है, क्षमा चाहूंगा। आपका बहुत आभारी हूँ, सबको क्रांतिकारी जय भी करता हूँ। जय।